हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। एक वीडियो एक दिन पहले आपके लिए डाली थी, 90 दिनों में कैसे निकाले MPPCS 2019। ये वीडियो इतनी पसंद की, लोगों ने इतनी पसंद की कि मैंने ये बिल्कुल भी वेट नहीं किया और आज 8 तारीख को मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। सभी प्रश्नों के जवाब आपके कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कितने अंक लाने इसमें ज़रूरी हैं, और ये गारंटी और श्योरिटी से कहती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो का फ़ायदा उठाया, इसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाया विथ योर डेडिकेशन, विथ योर कॉन्टीन्यूटी, अपने आप से फेयर रहना, इन सब के साथ आपने अगर जज्बा दिखाया कि आपको 2019 में एग्ज़ाम देना है तो आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता और आपको 2020 में प्री का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप पोजीशन लाके ही रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए, इसकी एक पहली वीडियो मैंने जो डाली थी उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत सराहा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल एनालिसिस किया है कि आप लोग क्या पढ़ें, किस एरिया में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, आपको एक्सपेक्टेड 2019 में कितने मार्क्स लेकर आने हैं। तो ये सब देखिए आप उस वीडियो में और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है और आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है 2019 क्रैक करने के लिए। तो चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैंने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर 11 पार्ट्स में ये डिवाइड कर रखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश स्पेशल, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, एक्ट्स, स्पोर्ट्स एंड मिसलिनियस। ये पूरी पार्ट्स में डिवीज़न मैंने किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि किस एरिया से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। मैंने दो कैटेगरीज में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है, प्रायोरिटी कैटेगरी, प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स और सेकेंडरी सब्जेक्ट्स। जिन सब्जेक्ट्स पे हमें फोकस रहना है, अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को ध्यान देते हैं पढ़ते समय और इन सब्जेक्ट्स को सेकेंडरी लेवल पे रखते हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक करना पक्का है। क्योंकि ये जो मैंने प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स दिए हैं ये कम टाइम लेंगे आप लोगों का, इनका सिलेबस बहुत कम है और ज़्यादा मार्क्स के ये आते हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं 2018 की बात करती हूँ तो 65 अराउंड क्वेश्चन इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स में से आए थे और कट ऑफ गई थी 69 क्वेश्चंस की। तो आप जर्नल की बात कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने सिर्फ इसको पढ़ लिया होता पूरा और 2-4 क्वेश्चन तो इसमें से आप कर ही लोगे तो आपका बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं रुकता 2018 में। तो यही चीज़ होती है कि क्या पढ़ना है हमें पहले वो ध्यान में रखना चाहिए और जो सेकेंडरी सब्जेक्ट है उसको निग्लेक्ट करना चाहिए। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 जो मैंने टॉपिक्स दिए हैं यहाँ पर, इसको आप लोगों को सबसे पहले तैयार करना है। इसमें से अराउंड मैं जो मिनिमम बात कर रही हूँ तो 50-55 क्वेश्चन इनमें से आते हैं और 40-45 क्वेश्चन ये सेकेंडरी सब्जेक्ट्स में आते हैं। और आपको पता होगा अगर आप एक हिस्ट्री की बुक लेकर बैठें तो जितने देर में हिस्ट्री ख़त्म होगी उतने देर में आप ये 6 सब्जेक्ट कर सकते हैं। इतना आप लोगों ने भी स्टडी की होगी, आप लोगों को भी पता होगा। तो क्यों ना आप इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करें, इन सब्जेक्ट्स को तो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं, सेकेंडरी सब्जेक्ट्स को, तो इनमें कुछ मार्क्स स्कोर करना, आप 45 में से एटलीस्ट 20 तो स्कोर कर ही लेंगे चाहे आप बिल्कुल ना पढ़ें। लेकिन आपको अगर MP के नहीं हैं, मध्य प्रदेश पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर, करंट अफेयर, एक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, देखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्पोर्ट्स एंड मिसलेनियस का सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को माइंड में बिठा लीजिए, बल्कि अपने जो आपका स्टडी टेबल है उसके आगे ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट लगा लीजिए कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि हमने 90 डेज को कैसे डिवाइड किया है।
देख लीजिए, ये मैं आपको 3 साल का एनालिसिस जो अभी मैं बता रही थी, मध्य प्रदेश से 30, कंप्यूटर से अराउंड 9 क्वेश्चन, करंट अफेयर से अराउंड 3 क्वेश्चन, एक्ट से अराउंड 19 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से 9 क्वेश्चंस और मिसलेनियस से अराउंड 12 क्वेश्चन। तो आप काउंट कर सकते हैं, बाकी ये सब्जेक्ट मैंने यहाँ हटा दिए हैं, ये 5 सब्जेक्ट्स। तो आप देख सकते हैं 2018 में कितना अच्छा इसका, जो मैंने 6 सब्जेक्ट डिवाइड किए हैं, स्कोरिंग था, मार्क्स कितने अच्छे इनके थे। तो ऐसे ही हर साल कम ज़्यादा किसी में हो सकता है, लेकिन कम से कम इसकी जो रेंज है वो 50-55% क्वेश्चन इनमें से आते ही आते हैं। तो आपको ये 6 एरिया ज़रूर तैयार करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप अपनी तैयारी शुरू करिए। तो सबसे पहले आप एक बुक लिस्ट बनाइए और उसमें ये सब्जेक्ट की प्रायोरिटीज़ लगा लीजिए। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होंगे वो लास्ट 10 ईयर्स के होंगे, महावीर पब्लिकेशन में भी मिल जाते हैं और इंटरनेट पे पेपर्स की भरमार है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियोस बना दूंगी, तो आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स करने को मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये आप पिछले सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, कम से कम 30-40 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। इसीलिए हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो UPSC का हो, मैं UPSC की बात नहीं कर रही हूँ, UPPSC की बात कर रही हूँ, स्टेट PCS की बात कर रही हूँ, MPPSC की बात कर रही हूँ, उसमें क्वेश्चन 30-40% रिपीटेड होते ही होते हैं। कभी कभार कम हो जाता है डाटा ये, लेकिन 30-40% रिपीटेड होते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लिए तो आप लगभग अपने आप को 20-30% आपकी तैयारी हो गई, आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि वो लोग आपसे पूछना क्या चाहते हैं और आपको क्या पढ़ना है। अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो प्लीज़ आज से शुरू कर दीजिए, और बिल्कुल भी इसमें शक नहीं है कि अगर आप आज से शुरुआत करते हैं तो आप अप्रैल में एग्ज़ाम दे लेंगे और प्री क्रैक कर जाएंगे। अगर आपने पेपर्स कर लिए प्रीवियस ईयर, उसके बाद आप NCERT की बुक्स उठाइए। अभी मैं बताऊंगी NCERT की बुक्स में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो इसमें पूरा नहीं पढ़ना आपको, जितनी मैं बुक्स बताऊंगी केवल उतना ही पढ़ना है, और कितने दिन लगाने हैं उसे पढ़ने में वो भी मैं आपको बताऊंगी। थर्ड पोर्शन पे आप करिए मध्य प्रदेश का GK, मतलब कि आप ये टिक मार्क अपने डायरी में या जिसमें भी आप लिख रहे हैं लगाते जाइएगा कि हमने ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इस टाइप से आप करिए, अगर एक बार किया है तो 1 टिक, अगर 2 बार उसी पोर्शन को कर लिया है तो आप यहाँ पर ऐसे डबल टिक लगा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप करिएगा लूशेंट GK की जो बुक आती है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये मौजूद है बुक, तो आप थर्ड पे वो वाली कीजिएगा। मैं आगे इसको भी बताऊंगी कि कैसे प्रिपेयर करना है। फोर्थ, करंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी करीब 25-30 क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं और कभी कभार 15-20, लेकिन क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इस करंट अफेयर में स्पोर्ट्स और जो हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो सब इसमें इंक्लूड होगा। नेक्स्ट हमारा एक्ट आता है, 3 एक्ट हमें पढ़ने हैं, 1955, 1989 और 1993 का एक्ट हमें तीनों पढ़ने हैं यहाँ पर। तो ये एक्ट मुश्किल से आपको 1 दिन लगेगा इसे पूरा पढ़ने में, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो नेक्स्ट ये रखिए। और आपका लास्ट होगा कि आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए 1 टिक यहाँ पर, अगर दूसरा रिवीजन हो जाए तो दूसरा, और अगर आपका तीसरा रिवीजन हो जाए तो तीसरा। जितने ज़्यादा रिवीजन उतने ज़्यादा आपकी श्योरिटी प्री निकालने की हो जाएगी क्लियर। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसने किस हायरार्की में आपको ये प्रिपेयर करना है। पहले आपको पेपर्स करने हैं, फिर NCERT करनी है, फिर मध्य प्रदेश करना है, उसके बाद लूशेंट GK, करंट अफेयर, एक्ट्स और रिवीजन। आगे मैं बताऊंगी कि जो टॉपिक्स में छूट गए हैं वो कैसे करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपने कर लिए वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, और घटना चक्र की बुक आती है उसमें भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं। हाँ, वो टॉपिक वाइज होते हैं तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसमें MP, UP, राजस्थान, उत्तराखंड, ऑलमोस्ट स्टेट PCS के मिक्स क्वेश्चंस होते हैं।
अब एनसीईआरटी बुक्स की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक्स में हिस्ट्री आपको पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स, साइंस और ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। अब हिस्ट्री आपको 6th to 12th पूरी पढ़नी है। बस इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है वो 9th क्लास में थोड़ा ज़्यादा दिया हो वो आप छोड़ देना, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है प्री में। तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट करनी है। और एक चीज़ और, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहे हो चाहे आप हार्ड कॉपी पढ़ रहे हो, हार्ड कॉपी पढ़ रहे हो तो हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइएगा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आ रहे हैं। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ रहे हैं तो आजकल PDF एडिटर भी आता है, तो आप उसमें जाके हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप अपने PDF को हाईलाइट कर सकते हैं। तो साथ के साथ हाईलाइट करते जाइए कि वो फ्यूचर में आपके काम आएगी। अगर आपकी NCERT तैयार हो जाती है तो मेंस के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपका आधा मेंस कवर हो जाएगा अगर आपने NCERT इस वे में तैयार कर ली जैसे मैं बता रही हूँ। तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको हाईलाइट करते जाना। नेक्स्ट पॉलिटी आपको पढ़नी है। पॉलिटी आपको सिर्फ 11th क्लास की पॉलिटी पढ़नी है, आपको 6th से लेके 12th तक में पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 11th क्लास की पढ़ लेना यही इनफ होगी इसके लिए। इकोनॉमिक्स भी आपको सिर्फ 11th क्लास की पढ़नी है और कोई भी इकोनॉमिक्स की बुक्स नहीं पढ़नी क्लास की। बाकी जो फैक्ट्स हैं वो करेंट अफेयर्स में से ज़्यादातर आते हैं इकोनॉमिक्स के, तो इसीलिए ओनली 11th क्लास की पढ़नी है यहाँ पर। साइंस की मैं बात करूँ तो साइंस आपको 8th, 9th, 10th तीनों की पढ़नी पड़ेगी। 6th, 7th और 11th, 12th बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इसमें। 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास तीनों की NCERT यहाँ पर पढ़ना और साथ के साथ हाईलाइट करते जाना इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। ज्योग्राफी आपको 6th to 12th पूरी पढ़नी पड़ेगी। और ज्योग्राफी अगर आपने 6th to 12th पूरी पढ़ ली तो कोई और बुक्स चाहे कितने भी अच्छे राइटर की हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि NCERT की जो यहाँ पर बुक्स दे रखी हैं और जो इनकी जो बुक्स होती हैं जो राइटर्स की बुक होती है उन्होंने कहीं ना कहीं यहीं से पढ़ के अपनी बुक्स बनाई होती हैं, लिखी होती हैं। तो इसीलिए बेसिक बुक्स तो हमारी यही है ना, बाकी उन्हीं राइटर्स ने यही बुक्स पढ़ के वो बुक्स और हाई लेवल हाई लैंग्वेज में लिख के बना दिया होता है। ये लेवल भी अच्छा है, लैंग्वेज भी इसकी अच्छी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो ये ज्योग्राफी 6th to 12th पूरी पढ़नी है और 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 11th क्लास में बहुत अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं बता दूं प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स के लिए जो बुक्स हैं वो मैं आपको यहाँ देती हूँ कि आप मध्य प्रदेश स्पेशल के लिए अरिहंत ले सकते हैं, महावीर की ले सकते हैं और TMH की ले सकते हैं। TMH की थोड़ी सी मोटी है, बस अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप ये पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर के लिए लूशेंट की बुक में ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज या 8 पेज कंप्यूटर के दिए हुए हैं, आप वही पढ़ लीजिए बहुत है। बस करंट में जो चल रही हैं जैसे कि ये जो नए नए वायरस आ रहे हैं और कुछ नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहे हैं तो वो ज़रूर पढ़ लेना कंप्यूटर के लिए। और ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं कंप्यूटर में ये बहुत ज़्यादा आती हैं एग्ज़ाम में, और मुझे तो यहाँ तक लगता है 3-4 साल से ये लोग करंट के क्वेश्चन कंप्यूटर में भी पूछ रहे हैं। करंट अफेयर्स की हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें वन लाइनर फैक्ट्स के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी मैंने आपको बताया हुआ है। प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन है उसे देख सकते हैं आप, वो भी बहुत मोटी नहीं होगी आपके लिए। और अगर ये सब नहीं देखनी तो आप अपने पसंद से कोई भी एक मैगजीन मंथली देख सकते हैं। तो आप पूरा 1 साल का करंट अफेयर तैयार करना, जैसे अगर अप्रैल में एग्ज़ाम है तो अप्रैल टू अप्रैल पूरा 1 साल का करंट अफेयर तैयार करना, उसमें से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स की। तो एक्स के लिए एक ही बुक है पुणेकर पब्लिकेशन की, तो उसमें से आप, बहुत मोटी बुक नहीं है, एक दिन में ये पूरे एक्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे, रीडिंग हो जाएगी आपकी। स्पोर्ट्स के लिए लूशेंट में स्पोर्ट्स के लिए लास्ट में 8-10 पेज दिए हुए हैं, तो आप उसमें से कर लेना। बाकी वो जो वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं स्पोर्ट्स के लिए वो आप जरूर कर लेना, उसके लिए हम लोग एक वीडियो सीरीज भी बनाएंगे स्पोर्ट्स के लिए वन लाइनर फैक्ट, तो आप वो भी वहाँ देख सकते हैं। स्पोर्ट्स में कोई बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, कौन सी ट्रॉफी किसको मिली, कौन सा जो शब्द है किस खेल से संबंधित है, या फिर इसमें करंट से भी टॉपिक पूछ लिया जाता है कि ये वाला अर्जुन अवार्ड किसको मिला, इस टाइप से क्वेश्चन स्पोर्ट्स में पूछ लिए जाते हैं। और घटना चक्र
इसके लिए पढ़ सकते हैं आप लोग, जो कि MPPSC या UPPSC एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, उस हिसाब से इसमें क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे मिसलेनियस में लास्ट के पेजेस में मिसलेनियस में दिया हुए हैं, काफ़ी अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं लूशेंट के अंदर, तो वहाँ से आप मिसलेनियस का देख सकते हैं। और घटना चक्र मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उसमें MCQs होते हैं, तो घटना चक्र के MCQs आप पढ़ने के बाद सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे ही हम सेकेंडरी सब्जेक्ट्स की बात करें, अब NCERT आपने पढ़ लिया है, NCERT पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे लूशेंट। लूशेंट बहुत मोटी बुक नहीं है, ऑलमोस्ट 550 पेजेस है लूशेंट में, और लूशेंट पढ़ने के बाद उसके घटना चक्र से क्वेश्चन आंसर करना मत भूलिएगा, क्योंकि MCQs आप कितना भी पढ़ लें, जब तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है। तो यहाँ जो 5 मैंने सेकेंडरी सब्जेक्ट्स दिए हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लूशेंट और घटना चक्र के क्वेश्चन आप यही दोनों कर लेते हैं, इनफ है, सफिशेंट है एग्ज़ाम निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं कि कितने घंटे की पढ़ाई करनी ज़रूरी है। तो जो नॉर्मल पढ़ाई, अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम में, तो 7 से 9 घंटे का स्टडी प्लान बनाना ज़रूरी है। अगर किसी के पास टाइम हो तो वो 10 घंटे तक भी जा सकता है, 11 घंटे तक भी जा सकता है, मिनिमम 7 से 8 घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं कि 3 से 4 घंटे पढ़ के, क्योंकि मैं साथ के साथ मेंस की भी बात कर रही हूँ, तो इसीलिए मेंस और प्री दोनों साथ में तैयार हो रहा है। प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को आप 4 घंटा देंगे, यहाँ मैंने रेंज 7 से 8 बताई है, तो आप मैम मिनिमम 8 घंटा लेके चल रही हूँ। अगर आप 7 घंटा लेते हैं तो यहाँ 3 भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ भी 3 कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम हो आप वैसे डिवाइड कर लीजिए। मैंने नॉर्मली 8 घंटे का प्लान बताया है, तो आप इसके हिसाब से अपने आप को डिवाइड करना। तो प्रायोरिटी सब्जेक्ट के लिए डेली का 4 घंटा, सेकेंडरी सब्जेक्ट के लिए भी डेली के 4 घंटे आपको निकालने ही पड़ेंगे स्टडी के लिए, क्योंकि पढ़ाई कभी शॉर्टकट में नहीं होती है, इसलिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। आप सबसे पहले प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने मध्य प्रदेश की बुक के बारे में बताया, तो अगर आप डेली 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ते हैं, जैसे आपके पास टाइम है और आपकी जैसे स्पीड है पढ़ने की, इस पर भी डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत फास्ट रीडिंग करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, और कुछ लोग थोड़े से स्लो रीडर होते हैं, तो इसके हिसाब से आप ये अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना। मध्य प्रदेश पूरा पढ़ने में 10 दिन लगेंगे, मैं सिर्फ रीडिंग की बात कर रही हूँ, रटने की बात नहीं कर रही हूँ, आपको रीडिंग करनी है अच्छे से दिमाग लगा के, ये नहीं कि किताब सामने है और मोबाइल बज रहा है और आप रीडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मोबाइल साइलेंट करके बिल्कुल भी, आप बस रीडिंग करिए, तो 10 दिन में आपकी मध्य प्रदेश यहाँ ख़त्म हो जाएगी। कंप्यूटर में मैक्सिमम 2 दिन, 2 दिन भी नहीं लगेंगे, एक ही दिन, लेकिन मैंने यहाँ 2 दिन लिख दिया है। करंट अफेयर्स पूरा 1 साल का ख़त्म करने में मैंने मैक्सिमम 10 दिन दिए हैं, अगर आप कंप्यूटर में एक आध दिन बचा कर लेते हैं तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम हो, जैसा आपके पास मटेरियल हो, ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर एक्ट्स की बात करें तो एक्ट्स में आप 2 दिन लगाएंगे, स्पोर्ट्स 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। करंट अफेयर्स में से भी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह मिसलेनियस 2 दिन का सब्जेक्ट है, 2 दिन में आपको ख़त्म कर देंगे। तो अगर हम इन पूरे सब्जेक्ट्स का टोटल करें, जितना हमने ये डेज डिवाइड किए हैं, तो यहाँ हमारे आ रहे हैं 26 डेज। अब ये 26 डेज में हमारी एक रीडिंग प्रायोरिटी सब्जेक्ट ख़त्म हो जाती है, सेकेंडरी सब्जेक्ट्स भी साथ के साथ चल रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगी। ये सिर्फ 4 घंटे की डेली की रीडिंग है और 26 दिन की रीडिंग, तो उसमें एक बार ये सब्जेक्ट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। अब आप एक बार आपने पढ़ लिया है, आपके माइंड में काफ़ी कुछ बैठ चुका है, समझ में आ चुकी हैं काफ़ी चीज़ें, और जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही इजी, उनको शायद 26 दिन भी ना लगे, वो 20 दिन में ही कर ले, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ 26 दिन दिए हैं। उसके बाद आप लोग सेकेंड रीडिंग कीजिएगा
अब उसमें आपको 20 दिन लगेंगे, अब 26 दिन नहीं लगने चाहिए क्योंकि एक रीडिंग आप पहले कर चुके हैं। सिर्फ रीडिंग की बात कर रही हूँ, रटने की बात नहीं। जितनी बार आंखों के आगे से गुजरेंगी चीज़ें उतनी बार आपका दिमाग उसे कैच करता है। तो यहाँ रट्टाफिकेशन की कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ रीडिंग करना है। ये हो गया 26, पहले आपने एक रीडिंग की, उसके बाद सेकेंड रीडिंग की आपने 20 डेज की, थर्ड रीडिंग कीजिए 20 डेज की, फोर्थ रीडिंग कीजिए 20 डेज की। कितनी हो गई आपके पास यहाँ पर? ये टोटल हो गया आपका 86 डेज। तो आपके 86 डेज में ये पूरे 6 सब्जेक्ट्स 4 बार आप पढ़ लेते हैं। और कोई अच्छा लिसनर होगा, सॉरी अच्छा रीडर होगा पढ़ने में, थोड़ा फास्ट रीडिंग, तो उसको 86 डेज भी नहीं लगेंगे। ऑलमोस्ट 70-80 डेज में वो पूरी 4 बार रीडिंग कर चुका होगा, रिवीजन कर चुका होगा मींस। तो आप ऐसे स्ट्रेटेजी बनाइए। तो ये हो गया, ये डेली आप पढ़ रहे हैं 4-5 घंटा, और लास्ट टाइम आते आते जब एग्ज़ाम को 15 डेज या 20 डेज रह जाएंगे तब आपको 12-13 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। तो आप इसमें चाहें तो ये 5 बार भी रिवीजन हो सकता है। और 5 बार अगर किसी सब्जेक्ट का आपने रिवीजन कर लिया, रेक्टाफिकेशन नहीं रिवीजन, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो प्री में आप सॉल्व ना कर पाएं। बस आपको रीडिंग करनी है, कुछ भी रटना नहीं है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी सब्जेक्ट्स की। अब इसमें मैंने यहाँ दिया है आपको 5 सब्जेक्ट। एनसीईआरटी की बात कर रही थी, तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी 10 दिन में कंप्लीट कीजिएगा। पॉलिटी एक ही क्लास पढ़नी है 11th, इसलिए 1 दिन लगेंगे। इकोनॉमिक्स एक ही क्लास पढ़नी है इसलिए 1 ही दिन लगेगा। साइंस में 3 क्लास पढ़नी है इसलिए आपको लगेंगे पूरे 8 दिन लग सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे कंप्लीट करते हैं। ये मैंने मिनिमम आपको दिया है टाइम लिमिट। ज्योग्राफी पूरी क्लासेस पढ़नी है इसलिए 10 दिन में। तो आप ये हाईलाइट करते हुए सारा पढ़ेंगे। इसमें अगर आप टोटल ये काउंट करें तो ये टोटल 30 डेज आ रहे हैं। अब याद ने 30 डेज में एनसीईआरटी मीन्स एक महीने में ये पूरी एनसीईआरटी आपने ख़त्म कर दी। एक महीने बहुत ज़्यादा टाइम होता है, साथ के साथ आपका प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। एक महीने में ख़त्म करने के बाद आपके हाईलाइटेड अब आपके पास मटीरियल है, तो आप क्या करेंगे 30 डेज वो पढ़ने के बाद 10 दिन और देंगे एनसीईआरटी को, जो हाईलाइटेड मटीरियल, सिर्फ हाईलाइटेड मटीरियल पढ़ने के लिए। अब वो आधे से भी आधा रह गया, 1/4 आपके पास रह गया है वो। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 दिन लगेंगे आपको दोबारा रीडिंग करने में सारी। तो आपका 40 डेज में ये पूरी एनसीईआरटी कवर हो गई है। आप यकीन मानिए आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से यहाँ तैयार हो चुके हैं। अगर आपने एनसीईआरटी ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ रीडिंग कर ली, रीडिंग ही करने को कह रही हूँ, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी आप पूरा जब भी आप 6-12 पढ़ रहे थे तब एक बार पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इसमें नहीं हो, नई आई हो, सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसका रिवीजन ही आप करेंगे इस 30 डेज में। हाँ, बहुत दिन पहले की बात है इसलिए आप भूल ज़रूर गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इंसान पढ़ता है वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठा होता है। उसके बाद आप जब 10 दिन रिवीजन कर लेंगे तो ये पूरे 40 दिन का प्लान आपका यहाँ हो चुका है एनसीईआरटी के लिए। अब आप जब ये करेंगे तो एनसीईआरटी आप साइड करेंगे, एग्जाम पास आने वाला है, वन लाइनर पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब 40 दिन का प्लान हो चुका है, याद रखिए। अब आप करेंगे लूसेंट, 15 दिन लूसेंट पूरा पढ़ने में लगाएंगे। 550 पेजेस होंगे अराउंड लूसेंट में, तो उसमें 15 दिन आपको लगेंगे जो आप पहली बार पढ़ेंगे। तो 40 पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर, 15 ये पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड रिवीजन करेंगे तो 10 दिन फिर लगेंगे, और थर्ड रिवीजन करेंगे तो फिर 10 दिन लगेंगे। साथ के साथ प्रायोरिटी सब्जेक्ट आपके चल ही रहे हैं 4 घंटे डेली, ये भी 4 घंटे डेली का मैं रूटीन बता रही हूँ। अब यहाँ पर आपके हो गए 75 डेज। अब आप देख लीजिए 75 डेज में आपका ये 4 रिवीजन हो जाता है, 2 रिवीजन एनसीईआरटी के और 3 आपका लूसेंट का। तो आप सोच लीजिएगा 5 हो जाते हैं पूरे ये, तो 75 दिनों में आप 5 बार रिवाइज कर चुके हैं ये सब्जेक्ट्स अपने। तो आप सोचिए अब कोई ताकत आपको रोक सकती है प्री निकालने से?
और अभी भी आपके पास यहाँ 15 दिन बचे हैं, इसलिए ये 15 दिन बचाए हैं मैंने कि कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है इसे करने में और कुछ लोगों को थोड़ा कम, तो इसीलिए आप अपना अपने हिसाब से बनाइए टाइम टेबल, अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ समझिए, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई चीज़ इसमें डाउट हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि कैसे क्या और कर सकते हैं इसमें, तो आपको बहुत अच्छे से 90 डेज़ का प्लान समझ में आ गया होगा। अपने डेस्कटॉप के आगे ये प्लान बनाइए, रखिए और अपने अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कीजिए, लिमिट रखिए टाइम की और रेगुलर हो जाइए, पंक्चुअल हो जाइए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है और इस बार क्रैक करके ही रहना है, टॉप रैंकिंग लेके ही आनी है, तो आप बिल्कुल क्रैक कर पाएंगे ये एग्ज़ाम। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आप लोगों के साथ है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी स्ट्रेटेजी सब लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए चलती हूँ, नेक्स्ट बार मैं आपके लिए GS पेपर 1 की वीडियो लेकर आऊँगी। बहुत दिनों से वो वीडियो पेंडिंग चल रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो वीडियो जल्द ही आएगी आपके सामने। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।